मेरे जो दादाजी थे आर्मी में थे, बाबा जी थे वो हमारे आर्मी में थे। 2265 अग्निवीर आज की डेट में ट्रेनिंग कर रहे हैं। टेक सेवी में बोलूंगा, जो लर्निंग के बहुत ही उत्सुक अग्निवीर हैं। केसरिया बाना धारण कर वीर का मान बढ़ाए तिरंगा, सत्य अहिंसा मानवता का शांति दूत बन जाए तिरंगा, हरी भरी पनपावन धरती धन धान्य दिखलाए तिरंगा, जनगणमन अधिनायक जय हो, ज्योति अखंड जलाए तिरंगा। आज के इस स्पेशल एपिसोड में कुछ ऐसे खास लोगों के बारे में हम बात करेंगे जो देश के योद्धा बनकर, देश के वीर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, देश का मान बढ़ाना चाहते हैं। अब वो उनका दिनचर्या कैसा होता है, कैसा रूटीन होता है, अच्छी सेहत रखने के लिए क्या कुछ करते हैं, वो कैसे कड़ी मेहनत करते हैं दिन रात, आइए आपको दिखाते हैं। कहते हैं असली योद्धा वही जो देश की सेवा करे। एक ऐसा ही योद्धा बन गया, कहते हैं उभरता हुआ योद्धा हमारे साथ है। आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं, तो क्या आपका जवाब आएगा? मेरा सपना है, मुझे जाना है बस। जाना है बस, क्यों? फिल्मों में देखा था या घर में कोई है आर्मी में, क्या है? मेरे जो दादाजी थे, मेरे ग्रैंडफादर आर्मी में थे, उसमें शहीद हो गए थे, तो मेरा सपना है बस मैं आर्मी में जाऊं, उन्हीं की तरह बनूं। अग्निवीर के आने के बाद से कुछ बदलाव देखने को मिला है? यस मैम। मैम इसके दोनों पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स हैं। अब अग्निवीर के आने से कुछ लोगों को एडवांटेज भी मिला है, जैसे कि अब जैसे कि मैं अकेला हूं अपने घर में, तो मुझे ये एडवांटेज है कि मैं 4 साल अग्निवीर को देकर यानी अपनी भारत माता की सेवा कर अपना एम्बिशन पूरा कर सकता हूँ और बाद में अपने मम्मी पापा की सेवा भी कर सकता हूँ। हर एक अग्निवीर का दिन सुबह 4 बजे शुरू हो जाता है। 4 बजे उनको उठना पड़ता है और उसके बाद 6 से 7, 7:30 बजे तक उनका ड्रिल और पीटी कार्यक्रम रहता है। बाद में नाश्ते के बाद तकरीबन 9 बजे से 1 बजे तक उनको थियरी क्लासेस, वेपन ट्रेनिंग और अन्य किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद लंच का कार्यक्रम होता है और शाम में गेम्स पीरियड रहता है और उसके बाद 1-2 घंटे का उनको टाइम दिया जाता है जबकि वो टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर बात कर सकते हैं या फिर कुछ और भी अपने काम कर सकते हैं। तो रात में 9 बजे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और दिन ख़त्म हो जाता है। तो ये पूरा कार्यक्रम सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक चलता है। हैदराबाद के आर्टिलरी सेंटर में अग्निवीर को किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है और कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल शालिन सिंह है जो कि चीफ इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ के। कर्नल बताइए कि क्या किस प्रकार की ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पर और कितना प्रॉमिसिंग लग रहा है? जो नए अग्निवीर ट्रेनिंग के लिए आए हैं तो उनके बारे में बताइए। जो अग्निवीर हमारे पास 2265 अग्निवीर आज की डेट में ट्रेनिंग कर रहे हैं 1 जनवरी 2023 से, बहुत ही मोटिवेटेड और टेक सेवी में बोलूँगा, जो लर्निंग के बहुत ही उत्सुक अग्निवीर हैं सबके सब। कितने किलोमीटर आप रोज दौड़ते हैं ऐसे? मैम यही कोई 10 से 12 किलोमीटर हम रोज रनिंग करते हैं मॉर्निंग और इवनिंग। यहाँ से कोई अभी हमारा 5 से 6 किलोमीटर हमारा गांव होगा, यहाँ से हम अपना गांव की तरफ से ले जाएंगे भगते हुए ही और वहाँ पे जाके कुछ अपना डाइट वगैरह देखेंगे, थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह करने के बाद अपना डाइट वगैरह लेके फिर कोई काम देखेंगे अपना। और क्यों आर्मी ज्वाइन करनी है आपको? मैम हमारे जो बाबा जी थे वो हमारे आर्मी में थे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।